विवादित बयान देकर एक बार फिर फंसे राहुल गांधी। राहुल गांधी को नहीं है अपनी जुबान पर लगाम। सावरकर मानहानि केस बना राहुल गांधी के लिए फांस। महाराष्ट्र चुनाव में उठाना पड़ेगा खामियाजा। नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 क्यों हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, याद है ना आपको राहुल गांधी का ये बयान। इन शब्दों ने कई आपराधिक मानहानि याचिकाओं को जन्म दिया, जिसके कारण राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई और सालों तक उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। लेकिन इन सब से राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं सीखा। आज भी अपनी जुबान पर उनकी लगाम नहीं लगी। यही कारण है कि इस बार वो फिर कानूनी पचड़ों में फंस गए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में ही क्यों, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल कराया है, जहां महाराष्ट्र में पुणे की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी करते हुए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। वहीं आज राहुल गांधी के कोर्ट में पेशी थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले साल इंग्लैंड में वीडी सावरकर के बारे में एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुस्लिम व्यक्ति को सावरकर और उनके दोस्त मिलकर मार रहे थे और सावरकर को इसकी खुशी हुई थी। इसी बयान को लेकर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने आपत्ति जताई थी और अप्रैल 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि राहुल गांधी के इस सावरकर केस का महाराष्ट्र चुनाव में कितना असर होगा। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी की पेशी से कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी में उसके सहयोगियों के संबंधों पर कितना असर हो सकता है और चुनाव में इस केस से कांग्रेस का प्रदर्शन कितना प्रभावित हो सकता है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कलह जारी है। राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि केस की वजह से कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि सावरकर हमारे लिए देवता समान है और उनका अपमान नहीं सहा जाएगा। एनसीपी नेता शरद पवार तो सावरकर की तारीफ में कह चुके हैं कि उनकी कही कई बातों का वैज्ञानिक और सामाजिक असर रहा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के ऐतराज के बावजूद सावरकर को लेकर राहुल गांधी अपने स्टैंड पर अडिग हैं। जब भी सावरकर के बयान पर उनके सामने माफी मांगने का सवाल उठता है, हर बार वो एक ही बात दोहराते हैं कि उनका नाम गांधी है, सावरकर नहीं। देखा जाए तो वीर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा ही अकेले नजर आए हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान तो कांग्रेस के लिए ये बात खास तौर पर मायने रखती है। ऐसे में उनको अगर एमवीए का साथ नहीं मिलता है, ये चुनाव उनके लिए कठिन परीक्षा साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।